हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जिंदगी कैटलिस्ट ग्रुप। तो डियर्स, आज मैं हूं आपके लिए बहुत ही चुनिंदा ट्रिक्स लाया हूं जो क्वेश्चन देखने में इतने डिफिकल्ट से लगेंगे, ठीक, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बिलीव मी। ठीक है, ऐसे कैसा भी हमारा इस पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन आया है टेंशन और टेंशन ट्रिक से रिलेटेड, तो आज से आप बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। ठीक, सिर्फ टेंशन क्वेश्चन को देने का, यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। ओके, लुक एट, ठीक, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक, देखिए, जस्ट विद इन सेकंड्स मैं पहले आंसर इसको मैं निकाल के दिखाता हूं, ठीक, फिर आपको पूरा फंडा इसका बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, दिस एंड दिस 18, दिस इज एंड दिस 18, 18, 20, दिस इज 22 एंड दिस इज जी। ओके ना, दिस विल बी फंक्शन, दिस एंड दिस एंड कम्स आउट, दिस इज 9 जी वाई, दिस इज 10 दिस 9, 9, 9, 2, 9, 5, 5, 5, 5, 2, 9, 10, 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
Basically, this is not a T3, and this is basically T2. Okay, no? This is straight up. And basically, T2. अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर इतनी जल्दी आ कैसे गया. ठीक, चलिए मैं इसकी जो ट्रिक हूं वो बता रहा हूं. ठीक, जो जुगाड़ से बेसिकली हमारे इंडिया में जुगाड़ चलती है. ठीक, और इस जुगाड़ से ही हम सॉल्व करें बहुत तेजी से. देखिएगा कैसे. ठीक, देखिए सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आया इसमें अगर टेंशन पूछा तब भी आपको सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि किसका कॉमन एक्सीलरेशन इस सिस्टम का पता होना चाहिए. ठीक, कॉमन एक्सीलरेशन के लिए मेरे को जो फंडा यूज करना है माय डियर दैट विल बी एफ अनबैलेंस्ड. एफ अनबैलेंस्ड, ओके, एफ अनबैलेंस्ड. ठीक, डिवाइड बाय एम नेट. एफ क्या फोर्स है. ठीक, दिस इज द एम नेट जो टोटल हमारा मास होगा. ठीक, जो टोटल मास होगा एड. देखिए यहां पर अगर सिस्टम को देखें तो यहां पर मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स मेरा कौन सा होगा, यही तो होगा कि नहीं. थ्री प्लस फोर प्लस इलेवन, दिस विल बी 18 एंड इट विल एक्स विद द हेल्प ऑफ जी. ठीक, यहां पर जी भी लग रहा है. ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा 18g. तो 18g नीचे लग रहा है. कितना लग रहा है 18g. दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. अब यहां पर बोलेंगे भाई साहब 2g, क्योंकि यहां पे ये भी 2g लगेगा. लेकिन यहां पर क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर इसकी वजह से यहां पर इसको बैलेंस कर लेगा. तो इसलिए हमें ये इसको कैंसिल कर दे, इसको नीचे करना. मेरे अनबैलेंस्ड फोर्स से देखना, अनबैलेंस्ड मेरा फोर्स कितना होगा, ये 30 मतलब 3g बात करें, 3 प्लस 4 प्लस 11, दिस विल बी 18 और जी हमारा साथ में लगेगा कि mg होता है ना, तो 18g हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीधे 18g. और m net कितना होगा, 11 प्लस 4 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20. तो हमने यहां से ये आ गया और हमारा जी का टर्म लिमिट. अगर मैं जी की वैल्यू 10 मान लू तो ये कितना आ जाएगा 90y 10. ओके, यहाँ सीधे हमारा आ जाएगा 9 meter per second square. दैट विल बी आंसर. ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, आप समझ गए होंगे. ठीक, तो ये मैं 18g में ये लिख दिया, सॉरी ये चलो ये मैं समझ गया आपने, ये कितना ये नीचे जो एक्ट लग रहा है mg होता है ना, तो ये होगा 18g. ठीक, नीचे लग रहा हूं. अब मेरा वो टेंशन, अब ये सिर्फ ट्रिक याद रखना, जैसे t1 निकाला. ठीक, तो देखो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर है कि इधर है, और इधर ही है ना, ये सारा सिस्टम मूव करेगा इधर करेगा ना, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन मेरा इधर है. ठीक, अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो T1 जब मैं फाइंड आउट करूंगा ना, जैसे मैंने T1 देखा, ये T1 अगर टेंशन है तो इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स है तो उसके में अपोजिट देखना, इधर देखना, डायरेक्शन हमारा इधर है तो इसके इधर वाले सारे मासेस हमको ऐड कर लेना. इसके इधर वाले देखो मासेस 4 3 7 2 9 और ये हमारा एसी कॉमन एसीलेशन, क्योंकि हमें पता है टेंशन या ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होता है मास इंटू एसी. तो यहाँ पे ध्यान रखना है m net कौन सा होगा, इसके इधर वाले, ठीक, लेफ्ट वाले m net लेफ्ट. ठीक, ऐसे ध्यान रखना. ठीक, इसके अपोजिट वाले.
ठीक। तो यहाँ जैसे ही मैंने टी वन बात किया तो ये टी वन के बाद इधर कितने मास, 4 3 7 2 9 9 इंटू ये हमारा कॉमन एक्सीलरेशन वही वैल्यू सेम रहेगी, या फिर मैं इसे कहूं 9 × 9 दिस विल बी 81 मीटर सॉरी न्यूटन, ये तो हमारा फोर्स आया ना, ठीक। तो ये हमारा न्यूटन, ये हमारा टी वन है। ऐसे टी टू की बात करूं, टी टू मुझे देखना, टी टू के देखें डायरेक्शन इधर, तो इसके अपोजिट वाले मास सारे 3 + 2 कितना हो जाएगा मेरा 5, और 5 इंटू ये हमारा एसी तो हमारी वही कॉमन है, ठीक। या मैंने 9g/10 की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितना 9 m/s² है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 × 9 दिस विल बी 45 न्यूटन। ओके, तो ऐसे ही हमारा अगर टी थ्री की बात करूं, अब जैसे मैं टी थ्री पहुंचा, इसके डायरेक्शन के अपोजिट वाला मास लेना, इसके अपोजिट वाला सिर्फ एक बचा 2 kg, और 2 kg तो ये मेरा एसी हो गया, ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, ठीक। तो मेरा सीधे कितना आ गया 18 न्यूटन, कितना आ गया 18 न्यूटन। हंसी हंसी में क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, हंसी हंसी में क्वेश्चन। अब ये देखिए हमारा जेई का क्वेश्चन है, ये हमारा जेई का क्वेश्चन है, इतना भारी भरकम लोग इसको एफवीडी बनाएंगे, हम कुछ भी घंटा बनाएंगे, हम तो जुगाड़ से लगाएंगे, ठीक। क्योंकि इंडिया में जुगाड़ी चलती है, हम जुगाड़ लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारा 2 kg ब्लॉक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, जो यहाँ से कितना है 30 डिग्री है, ठीक। यहाँ से हमारा 2 kg का ब्लॉक लटका है, ठीक। ये 4 kg का रखा है भैया, अब स्पोर्ट बन रहा है, तो स्पोर्ट को मैं समझ रहा हूँ, ठीक। तो ये लाइट का स्पोर्ट है, ठीक। ये पूरा प्लेन है, ठीक। ये पूरा क्या है मेरा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक पुली ये लगा दी है 4 kg, ये हमारी एक पुली लगी थी 8 kg का ब्लॉक, ठीक। अब मेरे भाई साहब बताओगे यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एसी हमारा कितना, कॉमन एक्सीलरेशन वही आएगा एफ अनबैलेंस्ड अपॉन एम नेट। अनबैलेंस्ड फोर्स मेरा देखेंगे तो देखो ये 2 kg वाला ये तो मूव करेगा, ये भी रखा है भाई साहब, ये भी रखा है, तो ये क्या मूव करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये हमारा अनबैलेंस कितना होगा 2g sin θ, क्योंकि mg के देखो कंपोनेंट में कंपोनेंट, तो बेसिकली आपको इतना बहुत mg तो हमेशा ये 2g नीचे लगेगा, ठीक। 2g नीचे लगेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे माय डियर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक। दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा ये होगा, ठीक, कॉस वाला कंपोनेंट 2g cos θ। कहेंगे सर हमने ये 2g cos θ क्यों नहीं लिया, तो हम कहेंगे अभी घंटा मारेंगे तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या कर डालेगा, बैलेंस बैलेंस, ठीक। ये आपस में कैसे हो जाएंगे भाई साहब बैलेंस, तो इनके ये तो फोर्स बैलेंस ही है, हम पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को ही बैलेंस करता है, क्या करता है सिर्फ फोर्स को बैलेंस करता है, वहीं से निकालता है, ठीक। तो हमारा अनबैलेंस फोर्स यही बचा 2g sin θ, और 2g sin θ रखेंगे तो sin θ की वैल्यू कितनी होती 1/2, ये गया तो सीधे सीधे g आ जाएगा, कितना आ जाएगा g आ जाएगा, ठीक। तो g वही मैंने रख दिया, g की वैल्यू मैंने 10 मान लिया, ठीक। और m नेट मेरा कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6 + 8 = 14, तो g/14 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू मैंने 10 रखा, ये 14 है, 5/7 m/s², ये मेरा कॉमन एक्सीलरेशन आ गया, वाह। अब मेरे को टेंशन पूछा है t1, अब t1 में कैसे निकालूं, वही मैंने कहा देख मेरा किधर जो डायरेक्शन ऑफ जो अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन मेरा इधर मूव करने का है, इधर मूव करने का है, तो मैं जब टेंशन t1 देखेगा तो इसके इधर इधर मेरी डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट वाला मास देखेगा, तो इसके t1 के अपोजिट में देखा मास एक ही है ना मेरा, कितना है 8, तो मैंने 8 रखा × 5/ वही एसी कॉमन एक्सीलरेशन, ये मेरा हो गया, तो 8 × 40 = 7 N आ गया ना ये मेरा। अब t2 मेरा निकालना था, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक। अब मैं इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में देखेगा कितने नेट हमारे लेफ्ट में कितने हमारे आ रहे हैं, बता भाई राइट में, अगर इधर से मैं देखूंगा तो राइट में आएगा, तेरे से अगर तू देखेगा भाई तो तेरे से लेफ्ट में आएगा, ठीक। तो यहां से मैं देखेगा तो 4 × 8 = 12, ठीक। 12 × AC कॉमन एक्सीलरेशन, बस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बस यही लगाना, ठीक। तो यहाँ पे 12 × 60 / 7 N, ठीक। तो ये हमारा देखिए जस्ट विद इन सेकंड्स में आंसर आ गया, ठीक। अब ये भी मेरा एक कोई जेई का क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक। डीपी क्यू हमने आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक। यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, ठीक। इसका भाई पहला पार्ट आपको क्या निकालना है भाई साहब, पहला पार्ट आपको क्या निकालना है, इसका कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है, एंड सेकंड पार्ट इसमें जो टेंशन स्ट्रिंग में आ रहा है वो निकालना है, ठीक। एक मेरी बात ध्यान रखना कि अगर धागा दो ब्लॉकों को सेम जोड़े है तो टेंशन भी सेम होगा, टेंशन विल बी सेम इन सेम स्ट्रिंग, ठीक। अगर मेरा धागा एक जैसा है तो टेंशन भी वहां एक ही जैसा होगा, ठीक। यहाँ पर चाहे इधर टेंशन T1 ले लूं, चाहे मैं इधर ही टेंशन T1 ले लूं, तो ये मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ रस्सी मेरा सेम है तो टेंशन भी मेरा सेम होगा। ऐसे यहाँ पे चाहे ये T2 देखूं, ये T2 देखें, ये भी मेरा सेम रहेगा। ऐसे इस केस में T2 चाहे मैं यहाँ पे देखूं, चाहे इधर वाला देखूं, चाहे ये T1 देखूं, ये देखूं, ठीक। अगर मेरा धागा सेम है तो वहां पे टेंशन सेम होगा, ये माइंड में रखना है तेरे को भाई, ठीक। मेरे को भी रखना, ठीक। अच्छा भाई मेरे को समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पर वैसे ही फंडा क्वेश्चन में यही करना कि यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक, जैसा क्वेश्चन है बस अनबैलेंस देखना, इधर मेरा क्या आ जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, फिर थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 3g मेरा sin 60, ठीक, sin 60, इधर मेरा क्या आ जाएगा 2g sin
30, ठीक। अब देख लेना मेरा अनबैलेंस्ड, ये ज्यादा है कि ये, तो जो ज्यादा वाला, जो ज्यादा हो उसको कम कम वाले से घटा देना, डिवाइड बाई एम नेट कर देना, ठीक। तो वहां से मेरा कॉमन एक्सीलरेशन आया, टेंशन मैं कर नहीं रहा हूं। अगर ना आंसर आए तो फिर मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं फिर कर दूंगा, लेकिन कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ, ठीक। आई होप अगर आपको भाई साहब अगर इस ट्रिक्स में मजा आया है, ठीक, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है।